बेटे का बदला लेना चाहते थे या पैसों के लालच में इतना नीचे गिर गए? अगर तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे तो उस मासूम अर्चना का क्या कसूर था जिसे तुम्हारी बीवी ने कि मेरा अपना भाई मेरे घर को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। अब ये शादी नहीं हो। ऐसा मत कहिए। ऐसा ही होगा क्योंकि ऊपर वाला भी यही चाहता है, ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। मैं तो जिस लड़की को ढूंढने के लिए मैं कहां नहीं भटका, इसके बारे में पता करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मुझे इस तरह तू यहां मिल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं श्वेता से शादी नहीं, मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ काम्या, सिर्फ तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। और अब अगर इस मंडप में शादी होगी ना तो सिर्फ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है दीवानों की तरह। मैं श्वेता के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है। अब मेरी शादी होगी तो बस तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपनी पत्नी स्वीकार कर ही नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये शादी का मंडप है, कोई खेल नहीं। और अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मैं यहाँ अपने मर्जी से नहीं आया, मुझे मजबूर करके मुझसे शादी करवाई जा रही थी। माँ ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं अगर शादी होने के दिन तक मैंने उसे तलाश कर लिया तो मुझे श्वेता से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं शर्त जीत गया। अब तुम मिल गई हो, श्वेता से शादी नहीं करूंगा। मेरी बहन की जिंदगी को शर्तों में मत उलझाइए आप। वैसे भी खुशियों के लिए पल पल तरसी हैं, और अगर आज उन्हें वेदी पर बैठ के उठना पड़ा और ये शादी नहीं हुई ना तो वो टूट जाएंगी, और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि अगर शादी नहीं हुई तो टूट जाएगी, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं अपने दिल को नहीं समझा सकता। आपकी ये दीवानगी दोनों घरानों की खुशियों को बर्बाद करके रख देगी।
ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूँ। अगर मैंने सपना देखा है तो बस तुम्हारा। शादी तो मेरी श्वेता के साथ हो रही थी, पर दुल्हन के रूप में मैंने हमेशा बस तुम्हें ही देखा है। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अरे श्वेता की शादी तो किसी के साथ भी हो सकती है, मेरी शादी होगी तो बस तुम्हारे साथ। जो नहीं हो सकता आप उसकी बातें कर रहे हैं। आपकी शादी मेरी दीदी से तय हुई है और मैं तो आपके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकती और मैं तुम्हारे बहन के बारे में नहीं सोच सकता। प्लीज ऐसा मत करो, इस शादी से इनकार करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मेरी बहन की खुशियों में ग्रहण लगाना चाहते? से शादी कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। तुम्हें दावा करते हो ना कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, तो तुम्हें उसी प्यार की सौगंध। मेरी दीदी को मत ठुकरा, उसे प्लीज अपना लो। वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है और तुम्हारी जोड़ी ऊपर वाले ने मेरी दीदी के साथ बनाई है, उनसे शादी कर दो। प्लीज उनसे शादी कर दो। शायद तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी रिश्ते को ठुकरा के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। शादी तो मुझे करनी चाहिए, श्वेता के लिए ना सही, तुम्हारे ही लिए। कुल की ज्योति कन्या। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सभा हि याभ्यन्तरा स्तुतिः गजानिनं भूतगणादिसेविदम् कपित्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमास्तुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिशमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री मनमः गणाधिपते नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ उमा महेश अभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचि पुरंद्राभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। विष्णु हो विष्णु हो ऋतुपराधे शिशरवाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गत पुण्यपदेश मासानुवर्तमासे कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दुःख शमनार्थम् अद्य दिवसे विवाह कर्म अहं कारिष्ये। गठबंधन कर दीजिए। भद्रंग पश्ये माक्षाभिर्जय जतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्भुं सस्तनु
विर्वसे महि देवहितं यदायुः चंद्रमा मनुषो जात ससोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुश प्राणश मुखाद् अग्निर्जायत। हरिः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्कृत्वा चतुष्टदशाङ्गुलम् विष्णोः विष्णोः विष्णोः। द्वितीयपराधे अश्रेश्वत वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशांतर्गत पुण्यप्रदेशे मासानुमतम मासे शुभमासे सुपक्षे कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दुःख शमनार्थम आद्य दिवसे सकल कामना संसिद्ध्यर्थे राजद्वारे व्यापारे लाभादि अर्थम अद्य दिवसे कन्यादान संकल्पम कर्म कारिष्ये। नमस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुवाहवे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा ओम तत्पुरुषाय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय स्वाहा ओम मृत्युंजयाय स्वाहा ओम मृत्युंजयाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम कालाय स्वाहा ओम कलविकर्णाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा। नमस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। त्रिशते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इखणन्निखाना मुम इखाना सर्वलोकम इखाना। अब आप दोनों पति पत्नी हो गए हो, बड़ों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। कुल की ज्योति कन्या सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगं सर्वतस्पृत्वा चतुष्टदशाङ्गुलम् पुरुष एवेद्यं सर्वं जडभूतं तज्ज्ञा सर्वभूतः संव्रतं प्रखदाज्यम् वसोस्तां चक्रे वायव्या नो यदन्य नातिरोहति एतावानस्य महिमा सोजायांश्च पुरुषः यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषा नो यदन्य नातिरोहति एतावानस्य महिमा सोजायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादश्च मृतं दिवि त्रिपादूर्व उदयत् पुरुषः पादोश्चेह भवत् पुनः ततो विक्वं विक्रामस्थासनानसनेयभि ततो विराडजतविराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरपश्चाद्यं उतामृत तस्माज्ञा सर्वभूतः संव्रतं प्रखदाज्यं वसोस्तां चक्रे वायव्या नारण्या पादोस्तेहा भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
अद्व्याह संव्रतम पृथिव्यै रसात् च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे तदाधार पृथिवी त्यधान्य नातिरोहत् ततो विक्वं विक्रामशासनान सनेयभि एतावानस्य महिमा शोजायांश्च पुरुषः पादोश्च भाव्यं मा उदामृतत्वशेषानो यदन्ये तदाधार पृथिवी द्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा द्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक दूसरे को वरमाला पहनाइए, पहले कन्या पहनाएगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि विष्णु रराट मसी विष्णु श्रेष्ठो विष्णु श्योरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि विष्णु रराटमसि विष्णु श्रेष्ठ विष्णु श्योरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। नसीब हूँ मैं, घर के सारे लोग शादी में शामिल होने गए हैं और मैं अपने ही घर की शादी में शामिल नहीं हो सकती। आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पल पल की खुशी के लिए तरसना मेरा नसीब है क्या? कितने कितने ख्वाब देखे थे ना मैंने कि अभिनव की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूं कि उनकी शादी में भी शामिल नहीं हो सकी। विधवा होना में शामिल हो ही नहीं सकती मैं, नहीं हो सकती। क्या बात है जानवी, तुम्हारे मम्मी और मामा जी अभी तक नहीं आए? पता नहीं आंटी बात क्या है। वो दरअसल मामा जी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और माँ वकील से बात करने गई है। ये क्या कह रही है तू? मॉम, अरे मॉम वो माधवी आंटी अभी तक नहीं आई, बात कीजिए ना उनसे। मैं तुझे बाद में बताऊंगी, तू श्वेता को कमरे में ले जा, उसकी विदाई भी करनी है। पंडित जी ने कहा है कि शादी के तुरंत बाद विदाई कर देनी चाहिए, उसके बाद मुहूर्त नहीं है। ठीक है, लेकिन मॉम अब तू जाना, मैंने कहा मैं तुझे बाद में बताऊंगी, जा। कामया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, समझ में नहीं आता क्या हुआ होगा। इतनी अजीब बात देना आने के,
ये सब कुछ आज ही होना था। आज श्वेता की शादी होने जा रही है, अगर उसकी शादी हो गई तो वो लोग क्या कहेंगे कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और अब उसे आशीर्वाद देने तक नहीं गई। नहीं माँ, ऐसा मत सोचो। अगर श्वेता की शादी हो भी गई तो सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर हमारे घर में क्या हुआ। मामा जी गिरफ्तार हो गए और मैं तो कहता हूँ अच्छा ही होगा जब काम्या को इस बात का पता चलेगा कि आज तक जो कुछ भी होता है उसके पीछे किसका हाथ है। आखिर इस बात से पर्दा उठ ही गया। लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि श्वेता के साथ जिसकी शादी हो रही है वो लड़का उसी का भांजा है जो कुंज बिहारी का साथी था। ये बात सुनकर मैं भी हैरान हुआ था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आखिर उस विलास की वजह से ही तो मामा जी की सारी करतूतों पर से पर्दा उठा है। मामा, तुम सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रहे थे ना, और देखा सच्चाई क्या है। हाँ मामा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ। दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो तो अच्छा हुआ कि तृप्ति का मामला खुलकर सबके सामने आ गया और बात वही खत्म हो गई। कल तक विकास के मन में ये था कि अनिकेत उसका दुश्मन, और अनिकेत के मन में भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, मुझ पर गोली चलवाई मामा जी ने। और फंसाने की कोशिश की विकास को। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। I'm really very sorry. मुझे प्लीज माफ कर दीजिए आप, प्लीज। आखिर बात क्या है, शादी भी हो चुकी लेकिन लड़के की माँ नहीं अभी तक आई। हाँ आंटी, अब तो विदाई की तैयारियां भी हो रही हैं। आखिर अभिनव की माँ कहाँ रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस बात का पता लग चुका हो कि अभिनव श्वेता दीदी से शादी नहीं करना चाहता। कहीं